हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। प्रदेश में हर व्यक्ति बिजली का भुगतान करे, ये लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो तरीका अपनाया गया है, उस तरीके पर सवाल उठने लगे हैं। वो तरीका कितना वाजिब है, हल्ला बोल में आज हम उठा रहे हैं यही मुद्दा। अगर माता पिता बिजली का बिल भुगतान नहीं करते हैं तो उनके बच्चे इम्तिहान नहीं दे पाएंगे, यह बयान सामने आया है बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का। और इस बयान के बाद लगातार इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपके मुताबिक क्या ये तरीका, क्या ये पैमाना सही है लोगों को प्रेरित करने के लिए कि वो बिजली का भुगतान करें? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे, उन नंबर्स पे आप फोन कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हल्ला बोल के इस खास कार्यक्रम के माध्यम से आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि आखिर बिजली मंत्री का यह बयान कितना ठीक है। और इसीलिए हम कुछ सवाल आज पूछ रहे हैं कि कितना वाजिब है ये बयान बिजली मंत्री का, और लोग क्या इसे स्वीकारेंगे बिजली बिल भरने के लिए? क्या मंत्री जी का तर्क सही है? क्या माता पिता के किए की सजा बच्चे को भुगतनी चाहिए? क्या बिजली का बिल निर्धारित करेगा बच्चों का भविष्य? ये पैमाना कितना ठीक रहेगा? क्या बिजली का बिल जमा ना होने पर बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे? ये बड़ा सवाल है और लगातार यही हम सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो पैमाना अपनाया गया है, ये पैमाना कितना ठीक है और आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कॉलर प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश जी, अपनी बात रखें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार, अपनी बात रखें सर। आज मैं तो सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि मेरा फोन आपने मेरे बात करवाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहूंगी, जैसे जैसे बिजली का बिल भरने से फिर नहीं भरेगा तो बच्चे नहीं दे पाएगा। देखो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। एक बच्चे का बाप कोई शराबी हो, जुआरी हो, वो पता नहीं क्या क्या कर देगा, और बच्चे का भविष्य खराब करने के लिए क्या बिजली का बिल जरूरी है क्या? तो वो बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा तो आगे पढ़ेगा कैसे? ये तो मंत्री जी का तर्क बिल्कुल गलत है। किसी का बाप हो, वो कैंसर की बीमारी से मर जाए तो उसको घर खत्म हो जाता है, वो बिजली का बिल कहाँ भरेगा? जब उसका बच्चा भविष्य ठीक हो जाएगा, वो पढ़ेगा, आगे कुछ पढ़ेगा, तब वो उसके ऊपर भी अंकुश लग गया, बाप तो कोई कत्ल कर दिया क्या, सजा बच्चा थोड़ी भूलेगा। बिल्कुल, सबकी घर की परिस्थितियां अलग हो सकती है और ऐसे में बच्चों के भविष्य को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, आप जुड़े, आपने अपनी राय रखी। तो क्या बिजली का बिल जमा ना होने पर बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे और ये पैमाना कितना सही है? कॉलर राम जुड़े हमारे साथ, अपनी बात रखें। राम जी नमस्कार। नमस्कार सर, अपनी बात रखें। मैं बताना चाहूंगा, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए दुनिया भर की गलती की जाती है, लेकिन गलती गलती होती है। तो एक झूठ बोलने के लिए हजार झूठ बोलेंगे तब भी झूठ झूठ रहेगा। ये मंत्री का फैसला नहीं है, सरकार का फैसला है। मेन कारण क्या है कि पिछले 5 सालों से जब ये सरकार चला रहे थे, जब सो रहे थे क्या ये, उस समय क्यों नहीं मतलब आपने करा? यानी मतलब आप इस तरह मतलब है कि अनाप शनाप, जिस दिन से मौजूदा सरकार आई है सिर्फ पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम के ऊपर सिवाय नफरत पैदा करने के सिवाय कुछ कर रहे। इन्होंने देश में तरक्की नहीं करनी, और बल्कि लिफाफे इन्होंने जमा करने, जितने भी ये कहते हैं हम इतने काम करें, फ्लाईओवर बनाए, फलान करें, इनसे ये पूछो कि तुम स्कूटर पे आए थे, आज तुम्हारे पास हवाई जहाज कैसे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां कैसे हैं, बिल के जो मतलब है 3-2-499 रुपए आज जियो दे रहा है, और ये 15-15 हजार रुपए 20-20 हजार रुपए लेते हैं, कोई पूछने वाला है इनसे? इसलिए मेरा निवेदन है, ये जनता से भी निवेदन है, इनसे क्वेश्चन करो और इनसे पूछो। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया राम जी, आपने अपनी बात रखी, अपनी राय रखी कि सरकार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस तरह के बड़े फैसले ले रही है, जिससे साफ तौर पर जो सीधा इसका असर वो आम जनता पर, उनके बच्चों पर, उनके बच्चों के भविष्य पर पड़ रहा है। और इसीलिए ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है और इसकी स्वीकार्यता नहीं मिल रही है। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर्स पे आप हमें फोन कर सकते हैं। और हरियाणा न्यूज के इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल के माध्यम से आप अपनी बात प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचा सकते हैं कि जो बिजली मंत्री का ये बड़ा फैसला है, बिजली मंत्री का जो बयान है, ये क्या आपको स्वीकार्य है? और बिजली बिल भरने के लिए क्या मंत्री जी का तर्क सही है? क्या माता पिता के किए की सजा बच्चे को भुगतनी चाहिए, ये कहां तक ठीक रहेगा? बच्चों का भविष्य
कहीं ना कहीं दांव पर लग रहा है। विपिन शर्मा हमारे साथ कैथल से संवाददाता जुड़ गए हैं। विपिन, जो ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो तो लगातार हम देख ही रहे हैं, लेकिन मंत्री जी ने ये जो बयान दिया है इससे बच्चों के भविष्य पर कितना असर पड़ने वाला है? जी आपको बता दें, हमने काफी लोगों से बात की है, लोगों का मानना है कि इस तरह का बयान नहीं देने चाहिए कि माँ बाप की गलती की सजा बच्चे क्यों भुगते। बिजली का बिल भरना भरवाना जायज है, तरीका और भी हो सकता है, लेकिन बच्चों का भविष्य दांव पे लगाकर बिजली का बिल भरना ठीक नहीं है। इसलिए हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, बिजली मंत्री का बयान है कि अगर आपने बिजली का बिल नहीं भरा तो आपके बच्चे पेपर नहीं दे सकते, कहाँ देखते हैं इस बयान को? देखो, बिजली मंत्री जी जो हमारे रणजीत सिंह जी बने हैं, बड़े सुलझे और समझदार नेता हैं, जो उन्होंने बयान दिया, मैं इसके लिए कहूंगा एक मौका और लोगों को दिया जाए जिससे कि उनके बच्चों पे या उनकी पढ़ाई पे किसी प्रकार का कोई असर ना पड़े। तो मेरी बिजली मंत्री जी से यही निवेदन है कि इनको जो भी गरीब हैं किसी वजह से नहीं भर पाए, इसके लिए इनको एक मौका और दिया जाए और एक लंबी अवधि के लिए या फसल के टाइम पे उनको उनसे वो भरवाए जाए, क्योंकि हरियाणा सरकार ने पहले भी जिसके 5-5, 7-7 लाख रुपए के बिजली के बिल थे वो भी 10-10, 12-12 हजार में उनको मौका देके वो डिफॉल्टर जो थे उनको मौका दिया गया था। क्या आपको लगता है कि माँ बाप की गलती की सजा बच्चों के ऊपर आनी चाहिए? मंत्री जी वैसे तो बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, मगर मौका तो पहले भी दिया था लोगों को, जो लोग रह गए हैं उनकी कुछ मजबूरियां हो सकती है, मगर उनको बच्चों को उनकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। एक चांस और देकर और छूट देकर उन्हें और मौका दिया जाए। क्या आपको नहीं लगता कि बिजली की बिल की वजह से अगर बच्चे का एग्जाम रह जाता है तो बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? बहुत बुरा असर पड़ेगा बच्चों के भविष्य पर। सरकार द्वारा दोबारा से इस पर गौर करनी चाहिए, उनके जीवन के साथ नहीं खेलना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि माँ बाप की अगर बिल नहीं भरते हैं सजा बच्चों को देना कहाँ तक जायज है? ये कोई जायज नहीं, क्योंकि बच्चे कई बार ऐसा होता है कि लास्ट एग्जाम होता है उनका एज के हिसाब से, अगर वो एग्जाम नहीं दे पाए उनका भविष्य खराब हो जाएगा, आगे नहीं भी मौका मिलेगा सर्विस का। या तो कुछ टाइम दिया जाए कुछ समय के लिए, या उनको कोई ऐसा प्रोसेस दिया जाए अब की बार वो एग्जाम दे सके सभी। नहीं, मुझे मेरा मानना यह है कि चलो एक टाइम किसान के पास पैसा नहीं है या किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, घर में बीमारी है, बिजली का बिल अगले भी नहीं भर सकता है, और उसका एग्जाम रुक जाए बच्चे का, वो कहाँ जायज? कितना मानते हो वो जायज नहीं है? सर आप आगे आपकी प्रतिक्रिया। अगर एग्जाम हमें हम किसी बच्चे का नहीं दे पाते तो उसका टाइम खराब होता है, उसकी जिंदगी में पूरी जिंदगी उसको भुगतना पड़ता है उस बात के लिए। पीछे सरकार ने छूट दी थी लोगों को डिफॉल्टर से मुख्यधारा में लाए थे, दोबारा फिर इस के बारे में सोचना चाहिए। चौधरी रणजीत सिंह को एक मौका और देना चाहिए बच्चों के लिए स्पेशली। इन लोगों का मानना है कि ज्यादातर हमने लोगों से आपकी राय आपको सीधी हम लाइव दे रहे हैं कि माँ बाप की गलती की वजह से बच्चों को नहीं पनिश होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का कैरियर होता है एक साल खराब हो जाता है। जी बिल्कुल विपिन, हमने सुना लोगों की भी यही राय है कि ये जो तरीका है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और इन लोगों से भी बातचीत की है। कॉलर हरदीप जुड़ गए इस बीच हमारे साथ, अपनी बात रखें सर। चलिए, संपर्क टूट गया, लेकिन आज सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि क्या बच्चों का भविष्य बिजली का बिल तय करेगा? अगर बिजली का बिल नहीं भरा जाएगा तो क्या बच्चों का भविष्य संवर नहीं सकता है? ये बड़ा सवाल है और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का जो ये बयान सामने आया है इससे कहीं ना कहीं सियासी हलचल भी तेज हो गई है। इस पर तमाम अलग अलग पार्टियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और उनका भी साफ तौर पर कहना है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, बच्चों का भविष्य इसमें दांव पर नहीं लगना चाहिए। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर्स पे आप हमें फोन कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, इस खास कार्यक्रम के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कॉलर हरदीप जुड़ गए हमारे साथ, हरदीप जी अपनी बात रखें। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम बात ये है, जो इन्होंने फैसला लिया मंत्री जी ने, हम इसका तय दिल से करते हैं, बहुत बढ़िया फैसला मैम, ये आगे के हरियाणा के लिए बहुत अच्छा फैसला मैम। इससे ये सिद्ध होगा जरूरी थोड़े कि एक बाप ने गलती कर दी, बोल के दोबारा फिर से बेटा करता है उसी गलती को। मैडम जी
चलिए, तो आपके मुताबिक ये फैसला अच्छा है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन जो ज्यादातर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो ये कि इस फैसले का समर्थन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सबके घर की परिस्थितियां अलग होती हैं, और हो सकता है कि किसी के घर में कोई बीमार हो सकता है कि उनकी परिस्थिति ठीक नहीं हो, आर्थिक हालत ठीक नहीं हो, ऐसे में बिजली के बिल का भुगतान तो अगले महीने भी किया जा सकता है। लेकिन अगर इन सबके बीच में बच्चों का एग्जाम छूट जाता है, वो परीक्षा नहीं दे पाते, उनका भविष्य, उनका पूरा एक साल खराब हो जाएगा, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अगर माता पिता बिजली का बिल नहीं भर रहे, इसमें बच्चों का भी क्या कसूर है? तो इसीलिए बच्चों के जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ है, बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाया जा रहा है। कॉलर जयपाल जुड़े हमारे साथ, अपनी बात रखे सर। मैं ये कहना चाहूँ बिल सिर्फ पढ़ाई का क्या मतलब है, और मंत्री जी आप खुद विभाग नहीं सुन रहा, किसानों के लिए 8 घंटे बिजली के, 3 घंटे 4 घंटे 10 घंटे अपने को तो नहीं कर सकते, बच्चा बोर्ड डाल रहे हैं। बहुत शुक्रिया जयपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी प्रतिक्रिया दी, अपनी राय रखी। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर्स पे आप हमें फोन कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आपके मुताबिक बिजली मंत्री का ये जो फैसला है, जो बयान है रणजीत चौटाला का, वो कहां तक ठीक लगता है आपको, आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया है, और बिल नहीं भरने पर अगर इम्तिहान नहीं दिया जाता है तो क्या आप इसे वाजिब समझते हैं? और कॉलर रोहतास जींद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहतास जी अपनी बात रखें। अपने बात ऐसा है जी, जैसे अपना ट्यूबलाइन कनेक्शन है जी, ये अपने मनमानी कर रहे हैं जी, जैसे हमने मोटर लानी है ये अपने आप दे रहे हैं बिजली घर से जी, ये मोटर हमने आधे रेट में मिल जाती है पुरानी, अब जबरदस्ती ये बोल रहे हैं कि नई मोटरें ले हमारे से, वो 80,000 के करीब लगते हैं हमारे, क्या करें जी, हम मजबूरी है अब। चलिए, सबकी अपनी परेशानी है, बहुत शुक्रिया रोहतास जी आप हमारे साथ जुड़े, अपनी परेशानी हमें बताई। लेकिन जो रणजीत चौटाला का ये बयान सामने आया है, बिजली मंत्री ने कहा है कि अगर भुगतान नहीं किया गया बिजली बिल का तो बच्चे इम्तिहान नहीं देंगे, और ये जो पैमाना रखा गया है बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, ये कितना ठीक है, क्योंकि ऐसे में बच्चों का भविष्य ही दांव पर लगा है। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर्स पे आप हमें फोन कर सकते हैं, और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के इस बयान से आप कितना समर्थन करते हैं ये आप बता सकते हैं। जिनसे नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी बात रखे सर। नरेंद्र जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो, देवेंद्र बोल रहे जी। जी सर अपनी बात रखें। देखो जी, 100% बिल नहीं भर सकते किसान कोई भी है, इनको वंचित रखने के लिए कर रहे हैं, पर ज्यादा रहेंगे तो रोजगार आपके कम हो जाएगा। और तो कोई तरीका नहीं जी, 100% तो कोई भी ईसा वो नहीं है, मैं कमा जो 100% क्लियर हो जी। इसका जब आधे बच्चे पेपर देने तो वंचित रह जाएंगे, अगले साल चला जाऊंगा फॉर्म भरने में कम बच्चे हो जाए, फिर रोजगार आपके कम दिख जाएगा इन्हें। चलिए बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बात रखिए, अपनी परेशानी रखिए। देखिए सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया है, लेकिन इस फैसले का, इस नियम का समर्थन नहीं कर रहे हैं लोग, नहीं कर रही है आम जनता, और साथ ही विपक्षी पार्टी बेस पर उठा रहे हैं सवाल। और इसीलिए सवाल ये कि बच्चों के भविष्य को निर्धारित करने के लिए क्या ये पैमाना ठीक है कि जो बिजली का बिल नहीं भरेंगे उसके बच्चे को इम्तिहान नहीं देने दिया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इसके बाद हल्ला बोल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हल्ला बोल में आज हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से बिजली मंत्री का बयान सामने आया, उसके बाद लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, विपक्षी पार्टी की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, और इन सबके बीच में एक सवाल भी उठ रहा है कि मंत्री जी का तर्क कितना सही है। बच्चों का भविष्य क्या अब बिजली के भुगतान पर तय हो पाएगा? क्या बच्चों के भविष्य के दांव पर लगाकर यह बयान नहीं दिया गया है? अगर माता पिता बिजली का भुगतान, बिजली बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो बच्चे को इम्तिहान में नहीं बैठने दिया जाएगा, ये कहां तक वाजिब है? बिल वसूलने का ये नायाब जो तरीका बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने अपनाया है, इस तरीके को लोग नहीं समर्थन इसका कर रहे हैं, लोग इससे खफा नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि इस
फैसले की निंदा की जा रही है। क्या माता पिता के लिए किए की सजा बच्चे को भुगतना सही है? क्या बिजली का बिल निर्धारित करेगा बच्चों का भविष्य? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या अगर बिजली का बिल का भुगतान नहीं होगा तो क्या वो बच्चा पढ़ नहीं सकता, वो इम्तिहान नहीं दे सकता, उसका भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता? ये बड़ा सवाल आज हम पूछ रहे हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप फोन कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कॉलर अनिल कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, अपनी बात रखे सर। मैम मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार को दिल्ली की तर्ज पर रेट घटाने चाहिए बिजली के, जिससे आम आदमी सहूलियत महसूस कर सके, बिजली का बिल भर सके। बहुत शुक्रिया अनिल कुमार जी, आपने अपनी बात रखी, अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी और आम लोगों को इससे कितनी परेशानी होगी, आम बच्चों के भविष्य पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है, ये विचार विमर्श करने का विषय है। और ये जो बयान आया है रणजीत चौटाला की तरफ से कि वो इम्तिहान में वो बच्चा नहीं बैठ पाएगा जिनके माता पिता ने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया, और इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर प्रदेश में अगर बिजली बिल का भुगतान कोई परिवार नहीं करता, किसी के माता पिता नहीं करते हैं, तो उसकी सजा उन बच्चों को क्यों मिलेगी जिनका कोई कसूर नहीं है? और ये पैमाना ही ठीक नहीं है। बिल वसूलने के लिए क्या सिर्फ यही तरीका बाकी था? बाकी और भी तरीके अपनाए जा सकते हैं और उन तरीकों को फॉलो किया जाए, लेकिन जो बयान मंत्री जी की तरफ से आया है उस बयान को स्वीकार्यता नहीं मिल रही है। उस बयान के खिलाफ लगातार लोगों की जो सोच है वो देखने को मिल रही है, उस बयान की निंदा की जा रही है और लगातार लोग यही कह रहे हैं कि बच्चों के भविष्य को दांव पर नहीं लगाया जाना चाहिए। और सवाल ये हम पूछ रहे हैं कि बिजली बिल भरने के लिए क्या मंत्री जी का तर्क सही है? क्या माता पिता के किए की सजा बच्चे को भुगतनी चाहिए? और क्या बिजली का बिल बच्चों का भविष्य निर्धारित करेगा? क्या बिजली का बिल जमा ना होने पर बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे? आप अपनी इस पर राय दे सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन नंबर्स पे आप हमें फोन कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। हमारे संवाददाता भी कुछ देर पहले हमसे जुड़े थे, उनके साथ जो कुछ लोग थे उनकी भी यही प्रतिक्रिया थी, उनका भी यही कहना है और बाकी पूरे प्रदेश में आमजन का यही कहना है कि ये जो पैमाना अपनाया गया है, ये जो पैमाना निर्धारित किया गया है वो ठीक नहीं है। कॉलर मोहित जुड़े हमारे साथ, अपनी बात रखे सर। मैम ये बिल्कुल नाजायज तरीका है और कितने मंत्रियों पे पीछे अखबार में आया था, कितना कितना बिजली का बिल लाखों में बकाया है, ये अपने अपने बिल तो भरते नहीं जी। बहुत शुक्रिया मोहित आपका अपनी राय रखने के लिए। विजय कुमार झज्जर से कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, विजय जी अपनी बात रखे सर। हाँ जी देखो जी ये चीजें है वही गलत है, इस हिसाब किताब से नहीं होना चाहिए, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई आदमी किसी तरह से बिजली भरने में असमर्थ है तो उसको समय देना चाहिए, ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए कि वो भाई एकदम कहाँ से अरेंज करे, क्या करे क्या ना करे। आजकल वैसे ही लोगों की पास में बहुत ज्यादा परेशानियों का दौर चल रहा है, आर्थिक शक्ति काफी कमजोर हो चुकी है और आर्थिक शक्ति से जो लोग जूझ रहे हैं उसको एक एक पैसे की बड़ी मजबूरी हो रही है, और अगर उसका बच्चा पैसा नहीं देगा, बच्चा पेपर नहीं देगा तो कल को बच्चा वो दूसरे रास्ते पे चल पड़ेगा तो उसका भाई कितनी सारे गलत काम कर सकता है वो बच्चा। तो इसलिए बच्चे को इम्तिहान देने से नहीं रोकना चाहिए और बिजली के लिए धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि धीरे धीरे करके उसको बिल वसूल किया जाए, एकदम प्रेशर ना डाला जाए। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया विजय जी, आपने अपनी राय रखी, अपनी बात रखी, अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर्स पे आप हमें फोन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं कि बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के बयान से आप कितना उनका समर्थन करते हैं, आप उसे कितना सही समझते हैं, ये प्रतिक्रिया आप हमें दे सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बात आप सरकार तक भी पहुंचा सकते हैं कि जो फरमान सुनाया गया है, जो बयान दिया गया है उससे आप कितना सहमत हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर्स पे आप हमें फोन कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। बिल वसूलने के लिए जो तरीका बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने अपनाया है वो तरीका कितना ठीक है और इस पर आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं। बिजली बिल भरने के लिए मंत्री जी ने जो तर्क अपनाया है वो कितना ठीक है, क्योंकि उस तरीके पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। बिजली का बिल अगर भुगतान करना है और अगर आप लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं तो उन्हें प्रेरित कीजिए, लेकिन उन्हें मजबूर मत कीजिए। और जिस तरीके से ये बयान सामने आया है ऐसे में लोगों की मजबूरी है, हो सकता है कि अगर वो एक महीने बिजली का बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो अगले महीने कर देंगे, लेकिन इस तरीके से उन पर हावी होना और इन सबका असर बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा तो इसे स्वीकार्यता नहीं मिल पा रही है। हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।